कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि क्रिमिनल्स को इस सोसाइटी में रहने का कोई राइट नहीं है और ऐसे लोगों के रहने के लिए एक जगह बना दी जाती है जो कि एक काफी बड़ा रेगिस्तानी इलाका था। और जो लोग बगावत करते हैं यानी उन लोगों का नाम होता है बैड बैचर्स, उनकी पहचान के लिए उन्हें स्पेसिफिक नंबर दे दिए जाते हैं। उस एरिया में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंसानों का ग्रुप और दूसरा होता है कैनिबल्स का ग्रुप। फिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उस एरिया में ऑलमोस्ट 5,000 से ज्यादा लोगों को लाकर छोड़ा होता है। वो लोग वहाँ से भाग ना पाए इसीलिए उनके लिए स्टील नेट की एक वॉल लगाई होती है वहाँ पर। जिस लड़की को भी वहाँ पर लाया गया था उसका नाम था आर्लिन। वो लड़की आगे बढ़ती है तो वहाँ पर वो एक बोर्ड देखती है जिस पर लिखा था कि बोर्ड के बाद जो एरिया है वो अमेरिका के अंडर नहीं है, यानी उस एरिया में जिस इंसान के साथ भी जो भी हादसा होगा अमेरिका उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आर्लिन के पास एक पेज भी होता है जिस पर लिखा हुआ था फाइंड द ड्रीम फाइंड द कम्फर्ट। इस मैसेज में कंफर्ट वो जगह थी जहाँ डेजर्ट पर वो बैड बैचर्स रहते थे। कुछ दूर आने के बाद आर्लिन को एक कार दिखाई देती है जो कि खराब थी। रेस्ट करने के लिए आर्लिन कुछ टाइम के लिए उस कार में बैठ जाती है लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाता कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन जब उसे इस बात का रियलाइज होता है तो काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो लोग आर्लिन को पकड़ लेते हैं। आर्लिन को जब होश आती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। असल में उसे दो फीमेल्स किडनैप करके यहाँ पर लाई थी। उनमें से एक लेडी सॉ लेकर आर्लिन की तरफ आ रही होती है और वो आर्लिन का हाथ काटने लगती है। हाथ के साथ साथ वो आर्लिन का एक पैर भी काट देती है लंच बनाने के लिए क्योंकि वो ग्रुप था कैनिबल का। डेजर्ट पर कुछ खाने को नहीं मिलता इसीलिए लोग कैनिबल्स बन जाते हैं जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते थे। जो कोई भी डेजर्ट में आता था ये कैनिबल्स उसे पकड़ लेते थे और उसे अपना खाना बना लेते थे और ये कैनिबल खुद को बिल्कुल फिट रखते थे, अपनी हेल्थ का काफी ख्याल रखते थे। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रिजनर्स बनाया होता है जिनके हाथ पाँव भी काटे गए थे। कैनिबल्स को जब भूख महसूस होती है तो वो इंसानों को पकड़ लेते हैं, उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट काट कर उसे खा लेते हैं। और अब तो आर्लिन भी उनकी विक्टिम बन चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि वो इन कैनिबल्स का खाना बनने वाली है और अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे यहाँ से भागना होगा। लेकिन वहाँ से भागना काफी मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और पाँव कटे हुए थे और तो और उसे चेन से भी बांधा गया था। लेकिन आर्लिन को एक आइडिया आता है, वो अपनी पूरी बॉडी पर अपना वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। नेक्स्ट डे एक कैनिबल लेडी आर्लिन को चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि आर्लिन वेस्ट मटेरियल में लतपत है। ये देखकर वो कैनिबल लेडी उसे आजाद कर देती है और आर्लिन को क्लीन करने के लिए कैच कर अपने साथ ले जाती है। फिर वो लेडी पानी लेने जाती है। इसी दौरान आर्लिन मौके का फायदा उठाकर एक रोड छुपा लेती है। जब वो लेडी आर्लिन को क्लीन कर रही होती है तो आर्लिन उसी रोड से उस पर स्टैप करती है जिससे वो कैनिबल लेडी गिर जाती है। फिर आर्लिन उस पर बार बार स्टैप करती है और कैनिबल लेडी की मौत हो जाती है। फिर आर्लिन क्रॉलिंग करते हुए वहाँ से भागने लगती है। आगे जाकर उसे एक स्केटिंग बोर्ड मिलता है जिसके जरिए वो वहाँ से भाग सकती थी। वो डेजर्ट काफी बड़ा होता है और आर्लिन थोड़ी दूर जाते ही थक जाती है और उसे भूख और प्यास लगने लगती है शिद्दत वाली जिसकी वजह से आर्लिन बेहोश हो जाती है। वहीं पर एक आदमी था जो कि अकेला रहता था, यानी ना तो वो कम्फर्ट ग्रुप का था और ना ही कैनिबल था। वो बूढ़ा था जिसकी वजह से वो अभी तक कैनिबल का शिकार नहीं बना था। ये आदमी आर्लिन को एक कैरेज में बिठा कर काफी दूर तक ले जाता है और आर्लिन को कम्फर्ट तक पहुँचा देता है जहाँ कम्फर्ट के बाकी लोग रहते थे। आर्लिन को वहाँ पर ड्रॉप करके वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 5 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्लिन का एक घर होता है और उसके पास एक आर्टिफिशियल पाँव भी था उसका। कंफर्ट के लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था और वहाँ पर तमाम फैसिलिटीज थी, लाइक वहाँ पर शॉप्स थी, मेडिकल फैसिलिटी थी, इसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत कुछ था। इसके फौरन बाद हमें एक कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है जिसमें फैमिली के हेड का नाम होता है मियामी मैन जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। मियामी मैन एक काफी अच्छा पेंटर था जो उस वक्त अपनी बेटी का स्केच बना रहा होता है। मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था और वो उसे मार डालता है। डिनर करने के लिए उस लड़की की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो फैमिली रात का खाना खाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आर्लिन अपसेट थी क्योंकि वो अपने हाथ और पाँव को खोकर काफी दुखी होती है। उस वक्त वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को मिस भी कर रही होती है, ये सोच रही होती है कि अगर उसकी बॉडी पूरी होती तो वो कितनी अच्छी लगती। साथ साथ उसे कैनिबल पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि आखिर उन्हीं की वजह से वो ऐसी हुई थी। कैनिबल से बदला लेने के लिए वो एक गन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। कम्फर्ट से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी होता है और वो दूसरे रास्ते को ही यूज करके वहाँ से निकलती है। मियामी मैन की वाइफ घर का कुछ सामान लेने का सोचती है इसीलिए वो अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है। दोनों माँ बेटी पुराने सामान में से जरूरी सामान ढूंढ रही होती है लेकिन आर्लिन कुछ दूरी से उन्हें देख लेती है और वो उन लोगों के पास जाती है। आर्लिन को जब ये बात पता चलती है कि वो दोनों कैनिबल है तो
हॉलीवुड सीन लेती है उन्हें मार डालने का। मियामी की वाइफ उसे कहती है कि प्लीज हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मगर आर्लिन उसकी एक नहीं सुनती, बल्कि वो कहती है कि मैंने भी तुम जैसे कैनिबल लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन उनको मुझ पर तरस नहीं आया, बल्कि उन्होंने मेरा एक हाथ ही काट दिया। ये कहते ही आर्लिन मियामी की वाइफ को शूट करके मार डालती है। मियामी की वाइफ जब मर जाती है तो उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरी मदर को क्या हो गया है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल रही है। बच्ची को अकेला देखकर आर्लिन को उस पर तरस आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो इस बच्ची को नहीं मारेगी। वो उस बच्ची को अपने साथ कंफर्ट एरिया में ले जाती है। इन दोनों को कंफर्ट जाते हुए वो अकेला आदमी देख लेता है। कंफर्ट में उस बच्ची को एक रैबिट पसंद आ जाता है, इसीलिए आर्लिन उस बच्ची के लिए वो रैबिट परचेज कर लेती है। बाद में आर्लिन उस बच्ची को अपने ही घर ले जाती है। शाम होने वाली थी और मियामी की वाइफ और बेटी अभी तक घर नहीं आए थे, इसीलिए उसको फिकर हो रही थी। मियामी मैन उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उसी जगह पर जा पहुंचता है जहां पर पुराना सामान पड़ा हुआ था। वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को कौवे खा रहे हैं और उसकी बेटी भी लापता थी। उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहां गई। सडन मियामी की नजर उस अकेले आदमी पर जाती है जो कि पुराने सामान के पास खड़ा हुआ कुछ ढूंढ रहा होता है। मियामी उस आदमी को अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और ये पूछता है कि क्या आपने इसे कहीं पर देखा है। वो आदमी मियामी को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो ये कि तुम मेरा भी सेम ऐसा स्केच बनाओ। अब क्योंकि मियामी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो उस आदमी का भी स्केच बना देता है। फिर वो आदमी मियामी को एक क्लू देता है। वो उसकी बेटी के स्केच पर लिख देता है फाइंड कम्फर्ट। ये उस तरफ इशारा था, यानी उसकी बेटी कम्फर्ट में है। रात को अर्लिन उस बच्ची को एक क्लब में लेकर जाती है जहाँ पर कम्फर्ट एरिया का सबसे ज्यादा रिच आदमी होता है, जिसका नाम होता है दी ड्रीम। ड्रीम को सब लोग वहाँ पर अपना हीरो समझते थे क्योंकि वो अकेला ही पूरे कंफर्ट में ड्रग सप्लाई करता था। अजीब बात ये थी कि उस ड्रग में एक किस्म का मैजिक था और जो आदमी उस ड्रग को लेता था वो अलग ही दुनिया में खो जाता था। उसका माइंड अलग ही डायरेक्शन में चलने लगता था। ऐसा फील होता है कि जैसे इंसान ड्रीम में आ गया है, इसीलिए तो उस आदमी का नाम ड्रीम होता है। और तो और ड्रीम कम्फर्ट का मेयर भी था। पार्टी में ड्रीम सबको ड्रग देता है। उस वक्त आर्लिन भी एक ड्रग ले लेती है। इसी दौरान मियामी की बेटी का रैबिट उसके हाथ से छूट जाता है और वो उसे लेने जाती है। इसी कोशिश में वो बच्ची आर्लिन से काफी दूर चली जाती है। वो बच्ची ड्रीम के पास पहुंच जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। आर्लिन उस बच्ची को ढूंढने लगती है, लेकिन अब आर्लिन पर भी उस ड्रग का असर होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ड्रीम में आ गई है और उसे अपने आसपास सब कुछ खूबसूरत नजर आने लगता है। आर्लिन उस बच्ची को ढूंढते हुए कंफर्ट से बाहर ही आ जाती है। आर्लिन का माइंड किसी और ही डायरेक्शन में चला गया था और उसे ये भी पता नहीं चल पाता कि मियामी उसके पास ही खड़ा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आर्लिन को होश आता है तो वो देखती है कि वो कंफर्ट से काफी दूर है और मियामी मैन उसके पास ही खड़ा हुआ था और उसके हाथ में वो चीज होती है जिसके बगैर आर्लिन चल नहीं सकती थी, यानी उसका आर्टिफिशियल पाउ। मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है, जिस पर आर्लिन कहती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं देखा, यानी यहाँ पर वो झूठ बोल देती है। किसी भी कैनिबल को कंफर्ट में आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई कैनिबल कंफर्ट के पास आ भी जाता है तो उसे शूट कर दिया जाता है। इसीलिए मियामी आर्लिन से एक डील करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले कंफर्ट एरिया से ढूंढ कर मेरी बेटी को लेकर आओ। और वो उसे वार्न भी करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी सूरत ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। आर्लिन इस डील पर एग्री हो जाती है। फिर ये दोनों कंफर्ट के लिए चल पड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक कैनिबल आदमी मिलता है जो मियामी से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें फ्यूल दूंगा, मगर इसके बदले इस लड़की का पांव काट कर मुझे खाने के लिए दो। वो कैनिबल आदमी मियामी को धमकाता भी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर जबरदस्ती इस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। इसीलिए मियामी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और वो आर्लिन को उस कैनिबल को सौंप देता है। फिर वो आदमी आर्लिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मियामी उसकी तरफ एक नाइफ फेंकता है जो सीधा आकर उस आदमी को लगता है। उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। मियामी उस आदमी का सारा सामान खुद रख लेता है और उस आदमी का एक हाथ भी काट कर अपने पास रख लेता है। फिर वो दोनों अपनी मंजिल यानी कंफर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही तूफान आ जाता है वहाँ पर और हर तरफ रेत ही रेत छा जाती है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए इन्हें स्टे करना पड़ता है। ये दोनों वहीं पर टेंट लगा कर अपना टाइम गुजारते हैं। तूफान रुकते रुकते रात हो जाती है, इसीलिए मियामी उस आदमी के कटे हुए हाथ को निकालता है डिनर बनाने के लिए। आर्लिन मियामी से पूछते हैं कि तुम कैनिबल यानी बैड बैचर्स कैसे बने। वो कहता है कि जब मैं 16 साल का था तो एक बोट के जरिए अमेरिका आ गया। अब क्योंकि मैं अमेरिका में अनऑथराइज्ड पर्सन था, इसी वजह से मुझे बैड बैच बनाकर यहाँ भेज दिया गया। उन दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन तभी कोई मियामी को गोली मारकर उसे इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आ जाता है जो आर्लिन को कहता है कि वो उसके साथ
चली। यहाँ पर अर्लिन सोचती है कि क्या मुझे मियामी के साथ रुकना चाहिए या फिर उस आदमी के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन लास्ट में वो उस आदमी के साथ जाने को ही प्रेफर करती है। वो कम्फर्ट का आदमी था, इसीलिए वो उस आदमी के साथ कम्फर्ट एरिया में आ जाती है। लेकिन कंफर्ट में आने के बाद उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। कंफर्ट में आकर वो खुश नहीं थी। वो उस टाइम को याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई, उसका ख्याल रखा। जो टाइम उन्होंने साथ गुजारा था, अर्लिन उसे बड़ा मिस कर रही थी क्योंकि वो मियामी को लाइक करने लग गई थी। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो मियामी के पास वापिस चली जाएगी और उसी के साथ ही रहेगी। इसीलिए अर्लिन उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर उसे मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी नोटबुक मिल जाती है जिस पर वो स्केचेस बनाता था। अर्लिन उस नोटबुक को उठा लेती है और इस कंफर्ट में आ जाती है। वो अकेला आदमी डेजर्ट में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि कुछ दूरी पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं और वो समझ जाता है कि वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ है। पास जाकर चेक करने पर वो देखता है कि वहाँ पर मियामी भी होश पड़ा हुआ है। वो मियामी की मदद करता है। वो एक कौवा पकड़ता है और मियामी को खिलाता है ताकि उसे थोड़ी ताकत मिले। दूसरी तरफ अर्लिन मियामी की नोटबुक देख रही होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के स्केचेस बने हुए थे। उन स्केचेस में एक स्केच मियामी की बेटी का भी था। अर्लिन फैसला करती है कि वो किसी भी सूरत में इस बच्ची को ढूंढ लेगी। वो मियामी की बेटी का स्केच लेकर सारे कंफर्ट वालों से पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा है, मगर किसी ने भी उस बच्ची को नहीं देखा होता। थक हार कर अर्लिन एक जगह पर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि कुछ लेडीज ड्रीम के घर से बाहर आ रही हैं। वहीं पर एक लेडी के साथ मियामी की बेटी भी होती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में ड्रीम ने मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। अब फाइनली अर्लिन को पता चल जाता है कि आखिर मियामी की बेटी कहाँ पर है, लेकिन वो सोचती है कि मैं उस को कभी भी वापस नहीं ला सकूंगी क्योंकि ड्रीम बहुत पावरफुल है, उसके पास सारी अथॉरिटी है और वो ऐसा नहीं होने देगा। उसे एक आइडिया आता है और ड्रीम के पैलेस पे जाती है। पैलेस में बहुत सारी औरतें ड्रग्स बना रही थी। ड्रीम वहां आकर बताता है कि आज वो जो कुछ भी है इस ड्रग की वजह से है। अर्लिन कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह इस पैलेस में काम करना चाहती हूं, जिस पर ड्रीम इस बात पर राजी हो जाता है। एक लेडी अर्लिन को एक रूम में ले जाती है जहां पर अर्लिन वॉशरूम का बहाना बनाकर चुपके से अपने नकली पांव में से गन निकाल लेती है। वो उस लड़की को गन पॉइंट पर लाकर प्रिजनर बना लेती है। वो ड्रीम को कहती है कि अगर तुम बच्ची को छोड़ दोगे तो मैं इस लेडी को छोड़ दूंगी। वो लेडी ड्रीम की वाइफ थी, इसीलिए ड्रीम को उसकी बात माननी पड़ती है। अर्लिन, वो लेडी और वो बच्ची तीनों एक कैरिज में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। कंफर्ट एरिया से बाहर आने के बाद अर्लिन उस लेडी को छोड़ देती है और जाने देती है। फिर अर्लिन और वो बच्ची डेजर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें मियामी मैन भी मिल जाता है जो कि उस अकेले आदमी की हेल्प की वजह से काफी बेटर हो गया था। अर्लिन उस बच्ची को मियामी मैन के हवाले कर देती है और वो मियामी को कहती है कि प्लीज मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो। मियामी उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए मौत के सिवा और कुछ नहीं है क्योंकि हम कैनिबल हैं और तुम किसी न किसी दिन कैनिबल का खाना बन सकती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने ग्रुप यानी कम्फर्ट में चली जाओ। अर्लिन कहती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैनिबल हो, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मियामी की बेटी उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है और मैंने नूडल्स खाने हैं, ना कि गोश्त खाना है। अब वहाँ पर तो नूडल्स मिल नहीं सकते थे, इसीलिए मियामी मैन उसके खरगोश को मार डालता है और वो ही उसे खिला देता है। वो लोग हैप्पी लाइफ गुजारने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।